नमस्कार, सपना की किचन में आपका स्वागत है। कच्चे आम का सीजन आ गया है, आज हम एक बिल्कुल यूनिक तरीके से अचार डालेंगे। हम हींग का अचार डालेंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो आम लिए हैं। इसको मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब हम इसको छील देंगे। मैंने सारे आम छील लिए हैं, अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आम कट गए हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल देगी मिर्च लिए है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, और ये हींग है। हींग भी कई तरह की आती है, कई तेज फ्लेवर की होती है, कई कम की। मेरे हींग का फ्लेवर बहुत तेज है। और ये 1 टीस्पून हल्दी लिए और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने अचार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे जैसे आम पानी छोड़ेंगे और ये अचार पकेगा, 2-3 दिन में इसमें हींग का फ्लेवर भी आ जाएगा और अचार भी पक जाएगा। जिन्होंने कच्चा खाना है वो अभी खाएं, मज़ा लें। इसको पूरी के साथ खाएं, परांठे के साथ खाएं, बहुत टेस्टी अचार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।